लोग जॉन जॉन पार्टिसिपेट करी जॉन जॉन खाणो बने की आई और मैं धन्यवाद कर लूँ आप सभी लोगों को। मैं पर्टिकुलर नाम तो जान नहीं सकती लेकिन अपना एसोसिएशन की तरफ से और अपना तरफ बेटी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को और ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत भाई साहब हैं जो उनका सहयोग तो मतलब डेडिकेशन उनका देख रहा हूँ आगे समय से कम्प्लीटली आ रहे हैं कि सर ऐसा है वैसा है आप लोगों ने ये किया आप लोगों ने खाना अच्छा किया। तो बहुत सारे लोगों ने जो हमारी बहनों ने या माता लोगों ने जो खाना लाया था बड़ी यूनिक यूनिक चीज़ें लाई थी द्योड़ा थे लाया भटवाणी थे चौंसू थे मतलब ये चीज़ें मकसद ये है कि जैसे आप लोग संस्कृति होती है जो अभी प्रमुख साहब ने भी बोला कि पंखी सॉल पहनवार जो हमारा पहनावा था वो निकल चुका है आज की डेट से लेकिन ऐसा ही हमारा जो खाना है वो भी धीरे 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 विलुप्त हो रहा है। आप किसी भी चीज को ले लो कोदा ले लो झंगोरा ले लो अगर थोड़े सा उसके ऊपर रिसर्च करते हैं हम लोग जो साइंस के रिसर्च करते हैं इतना बेनिफिट है। जैसे गहद हो गया तो गहद बोलते हैं ना कि जिसको स्टोन पत्थरी की बीमारी है उसको अगर गहद कंटिन्यू पिलाओ तो उसकी पत्थरी खत्म हो जाती है। लेकिन हकीकत बात ये होती है कि जैसे खाने का जैसे किसी भी खाने का रूप होता है ना अब जैसे राजमा होती है तो राजमा का जो शेप बना रहता है वो किडनी होती है ना किडनी तो किडनी बीन्स उसको इंग्लिश में बोलते हैं और हकीकत में वो राजमा खाने से किडनी की बीमारियाँ खत्म होती है। जिस हिसाब से खाना होता है और उसी हिसाब से हमारी बीमारियां भी खत्म होती है। तो हमारा मकसद यही है अपने विलुप्त होते हुए खाने को आगे लेके जाना। हम इंटरनेशनल के जाते हैं जैसे और देशों में जाते हैं तो अपने खाने को प्रचार प्रसार करते हैं कि कोदे से बन के ये भी बन सकता है या कोदे के आटे से। अब मोमोज के पीछे भागते हैं आज के लोग नहीं बाजार जाना तो चाउमीन मोमो खाना अब वो ये नहीं देखा कि वो कोदा का आटा को बने या मैदा का आटा को बने या क्या आटा को बने। तो अगर वो मैदा अगर हम अवॉइड करें मैदा ना खाएं तो उस मैदे की जगह हम कोदे का आटा खाएं तो सबसे फायदेमंद है। हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हुए होंगे उनसे पूछना कि जब बड़ील बनता है बाड़ी बनता है चौंसू बनता है आड़सा बनता है तो पुराना जमाना वालों को खाण के थे कि बाबा जब डोखरों काम करने जाना था कि मट्ठा झंगोरू झोले वो खाना था तो ना तो उसमें केमिकल था ना उसमें कोई एक्स्ट्रा मसाले होते थे। लेकिन आज में जब तक भुजी मध्य तेल तरेंगे तब तक वो खाना बढ़िया नहीं लगता। हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं अपनी फैमिली की भी बात कर रहा हूँ जब तक मैं अपनी फैमिली की भी बात कर रहा हूँ जब तक उस खाने में दो चम्मच घी नहीं आएगा तो बढ़िया नहीं होना। अरे बढ़िया तो तब बोल लो ना जब हकीकत बात पर पहुँचना। और हमारे गढ़वाल में तो इतने ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स हैं अगर मैं आपको गिनाना चाहूँ तो अगर अभी एक बहन आई मेरे पास उसने पत्थर का फूल लेके आया बोला भैया ये पत्थर का फूल है वो लोग नहीं जानते इसके बारे में जबकि उसकी कीमत बताऊँ कितनी है। अगर उस पत्थर के पोचू ढूंगा पर रन लगूँ जैसे शिवाल टाइप को लग बोला उस फूल की कीमत आप अगर सर्च करोगे तो 200 रुपए का 10 ग्राम है। अगर आप सोचो और हम जब बचपन में आते थे बचपन में मत पानी डालने का बाद लाखने की मेहंदी लगा लेते शायद याद होगा बचपन में करते थे उस चीज़ को क्योंकि हमने किया है। लेंगड़े हैं लेंगड़ा लेंगड़ा जो जाने ना लेंगड़ा को साइंस में विज्ञान ने ना बहुत ऊँचा दर्जा दे रखा है। क्यों दे रखा उसके अंदर ना रोग प्रतिरोधक क्षमता आजकल रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है तो हम तो इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। अभी जस्ट एक चाय हमने ईजाद की है ना चाय क्या हो जैसे रयारा भुग्याल हमने ये जड़ी बूटियाँ लेके आई है तो इसमें ये भेवड़ी भुग्याल हर्बल चाय है। इसमें आपकी केदार पाती होगी नेर थुनेर हो गया इसमें अश्वगंधा हो गया मतलब जो जो रियर रियर चीजें और ये चाय हमने बना रखी है तो इसमें आप ये देख सकते हैं ना कि हम तो डेडिकेशन होके काम कर रहे हैं लेकिन आप लोगों का जो सहयोग मिलता है ये जो मसाले हैं ये सब हैंडमेड है और रिसर्च करके बना रखा है। ऐसा नहीं कि लाई बनाई और दे देने नहीं पहले इसको खुद ट्रायल ले रखा है कि खुद बना रखा है एक बार दो बार।